हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने चुनाव संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं हिसार में भी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हम तैयार की है, जिसमें लोगों के सुझाव लेने के लिए पेटी रखी है। हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए उसमें LED की भी विशेष व्यवस्था की है, जिसमें प्रदेश सरकार की जो खास उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, उनको उसमें दिखाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा में शामिल वाहन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए LED स्क्रीन लगाई गई है। वहीं आगामी सरकार को लेकर लोगों से सुझाव जानने के लिए सुझाव पेटी भी रखी गई। संकल्प यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ सुझाव पत्र के आधार पर बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार करेंगे। ये जो संकल्प यात्रा के वाहन है, ये हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन तक कोई वाहन चलेगा और 3 दिन में पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए वहाँ के जो जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की सरकार किस प्रकार की हो, ये विचार जानने का प्रयास किया जाएगा। इसमें पेटी रखी है, इसमें कुछ हमने परफॉर्मा रखा है, फार्म रखे हैं, लोग भर कर के उसके अंदर पेटी में डालेंगे। बीजेपी मोदी लहर में तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें जीत गई, लेकिन क्या यही करिश्मा बीजेपी विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। R9 TV हिसार से रुद्रा राजेश कुंडू की रिपोर्ट।